कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब राजस्थान की चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भी भेज दी है। साथ ही शाह के लिए किराए का मकान भी तलाशा जा रहा है। एक और केंद्रीय नेतृत्व राज्य में कुछ महीने बाद आने वाले चुनाव को लेकर गंभीर हो चुका है, तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर घमासान अभी भी मचा हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच मतभेद होने की वजह से राजस्थान में पिछले एक महीने से बीजेपी का कोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन पाया। राजस्थान में वसुंधरा जैसी मजबूत नेता की अनदेखी बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के इतिहास में पहली बार एक महीने से ज्यादा वक्त हो गए, लेकिन चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी किसी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। 14 अप्रैल को राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को हटा दिया गया था और उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए आया था, लेकिन वसुंधरा राजे के भारी विरोध के बाद गजेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए।